हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम लोग के पास बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये चैप्टर एमकैट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एमकैट के अंदर आती है एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट होती है, ईजीएस्ट पार्ट होता है, बट एट द सेम टाइम बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़ कर देती है क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो हम ट्रिक्स एंड ट्रिप्स भी देख लेंगे जिस तरीके से हम लोग एमकैट में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक जनरल व्यू मैं आपको दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। सो हम लोग बेसिक डेफिनेशंस को कवर करेंगे, ठीक है। वी आर गोना कवर बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस को कवर करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस। अच्छा, बेसिक डेफिनेशंस के बाद हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन देखेंगे, ये आपके लिए बहुत नई चीज़ है। एट द सेम टाइम मोल कैलकुलेशंस हम देखेंगे, और लास्ट में स्टीचियोमेट्री। तो एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल्स आप लोग फेमिलियर हो कुछ हद तक, स्टीचियोमेट्री, ये तीन टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनको आप स्टार बना लो और इनको सेव कर लो कि भाई इनको बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, आज हम ट्राई करेंगे कि हम लोग अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सीख कर जाएं। और तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ सबसे पहले एटम, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एटम की एग्जिस्टेंस आई थी और हमारे पास थ्योरी आई थी जॉन डेल्टन की। जॉन डेल्टन ने हमारे पास एक थ्योरी दी थी, आप लोगों को पता होगा, लाइक नाइन्थ में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जॉन डेल्टन ने हमारे पास डेल्टनियन एटॉमिक थ्योरी जो मशहूर मारूफ थ्योरी थी, उसने हमारे पास कहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हर चीज़ का होता है वो एटम है, ठीक है। फिर उसने बोला था कि एटम इज़ इंडिविजिबल, एटम को आप इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल है एटम, यानी आप एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि हमें बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम ना ही हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना ही हमारे पास इंडिविजिबल है, जबकि वो डिविजिबल है, ठीक है। हमने अपने पास वो देख लिया था कि वो कैसे इंडिविजिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब आगे हम लोग जाकर पढ़ते होते हैं बेसिक। उन्होंने ये बात बताई कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है, रिएक्शन में, ये एक बेसिक डेफिनेशन हमारे पास है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है मॉलिक्यूल, इस चीज़ की डेफिनेशन समझ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप FSC में आ गए हो, अब आपके पास अगर आप किसी से पूछो ना मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के, तो वो बोलेगा ना एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, और सिमिलर और डिसिमिलर ग्रुप ऑफ एटम, सिंपल ये डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, ना कि कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि मॉलिक्यूल क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के अंदर डालने की बात है, आपने कहना है कि या तो सिंगल एटम है, सिंगल एटम आप कहो, और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम, सो लाइक सिंगल एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उनकी एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली हो। कैसे एग्जिस्ट करें? इंडिपेंडेंटली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारे पास, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, यानी वो ये एटम है ना, वो अगर अकेला रह रहा है इस तरीके से, या वो ग्रुप ऑफ एटम्स में, या वो अपने ग्रुप में रह रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से मतलब क्या है, तो इस बात को हम समझते हैं रेफरेंस लेकर आयोनिक कंपाउंड से। अब एक रिवाइज करते होते हैं, आयोनिक कंपाउंड क्या है भाई, ये देख लो। अब आयोनिक कंपाउंड से हम लोग कंपेयर करेंगे कि बेसिकली आयोनिक कंपाउंड से कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को। अब अगर हम आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल लें, तो हमारे पास सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड होता है जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव आयन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लूँ तो मैं सोडियम क्लोराइड। अच्छा भाई, हमने ये भी पढ़ा हुआ है सोडियम क्लोराइड के अंदर। क्या पढ़ा है हमने सोडियम क्लोराइड के अंदर, कि भाई हमें पता है कि एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है,
और हमें पता है कि एक क्लोराइड आइन 6 सोडियम आइन से सराउंड हुआ है। तो डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, सोडियम है, ये किससे सराउंड हुआ है, 6 क्लोराइड आइन से इस तरीके से, और मेरे पास एक क्लोराइड आइन है एक, तो क्लोराइड आइन 6 सोडियम आइन से सराउंड हुआ है इस तरीके से। तो अब इसमें मैंने देखा कि क्या सोडियम अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, क्यों, वो 6 क्लोराइड आइन से सराउंड हुआ है, क्या क्लोराइड आइन अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, आप खुद देखो, क्या क्लोराइड आइन अकेला रह रहा था, नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 सोडियम आइन्स आ रहे हैं, तो नहीं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि अगर कोई चीज़ मॉलिक्यूल है तो उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, वो दूसरे आयन या दूसरे एटम के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा होगा। सो हमें एक बात ये पता चली कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। दैट्स वाई फॉर आयोनिक कंपाउंड, अभी आप आगे जाओगे तो देर वुड बी अ क्वेश्चन कि आयोनिक कंपाउंड्स के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हो और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हो। तो आप आयोनिक कंपाउंड्स के लिए कभी भी मॉलिक्यूल की टर्म कॉइन नहीं कर सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ आनी चाहिए कि अगर रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है कि वाई NaCl इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ मॉलिक्यूल, तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर हर एटम या हर एलिमेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही बात हो गई। अच्छा, फिर एक और बात हमारे पास मॉलिक्यूल्स की टाइप्स ऑन द बेसिस, अब जाहिर है मोनोटॉमिक का मतलब एक रह रहा है, डायटॉमिक का मतलब दो रह रहे हैं, दो एटम्स हैं, ट्रायटॉमिक का मतलब है तीन एटम्स रह रहे हैं, पॉलीएटॉमिक का मतलब तीन से ज़्यादा, सिंपल। अब एग्जांपल लिख लो, मोनोटॉमिक की कौन आ गई भाई, हीलियम आ गई, सारी की सारी नोबल गैसेस, डायटॉमिक की ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ट्रायटॉमिक की ओजोन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, पॉलीएटॉमिक की फॉस्फोरस की P4 वाली, सल्फर की S8 वाली, हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गई हमारे पास, सिंपल। मेरे पास इस तरीके से मॉलिक्यूल की डेफिनेशंस हो गई। अगर हम इस पैराग्राफ को देखो तो हमने यही बात बताई हुई है इन्होंने कि मॉलिक्यूल इज अ सिंपल पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डेफिनेशन। देन दे हैव मेंशन अबाउट द मॉलिक्यूल्स, द टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल, द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द respective examples. For example, for the monatomic we have a helium, for the diatomic they have given the chlorine, for the triatomic they have given the example of ozone and etc. Now the one of the next initial concepts is ion. What is an ion? Basically ion, when an atom loses, like lose or it gains electron, so it form an ion. When the atom lose the electron, it form cation having a positive charge, and when an atom gains an electron, it form an anion having a negative charge. Now what is the most important thing is that difference between ion versus atom, how do they differ. Basically ion is a charged species and atom is a neutral species. The most important point is that it's a neutral. Then in an atom, how it's neutral? Because the number of protons and the number of electrons are equal, whereas in ion, the number of protons are not equal to the number of electrons. Either the electrons are the greater, the less, or more in case of an ion. So basically this is the definition of an ion who carry positive or a negative species, and then they have called tell us about the cation, and they have also tell about the anion, simple. Now what is a molecule ion? Okay, molecular ion itself, molecule and ion. So what does this mean? A molecule loses the electron or gains the electron. If it's gaining the electron, it's considered as an anionic molecular ion. And if it's losing the electron, then we are cationic molecular ion. Okay, simple is that. And the examples can be considered as a, हमारे पास इसकी examples क्या हो सकती हैं भाई, methane है ना, methane हमारे पास एक electron अगर lose कर देता है तो वो हमारे पास हो जाता है methane ion बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा,
अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना, अच्छा रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है आइसोटोप्स, और फिर हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेशन जो है बाय दिस मास स्पेक्ट्रोमीट्री, ये तीनों टॉपिक लिंक्ड है। तो सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी ये जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मासेस है ना, ये जो एक गंदी सी डेफिनेशन लिखी होती है ये वाली, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन मास इज अ मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज अ रेफरेंस। कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक एलिमेंट है, उसका एलिमेंट के एक एटम निकाल लो, उसका जो मास है आप कंपेयर करो किससे, कार्बन के एक एटम से। क्या बोला मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास का, कि ये आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट का आप क्या निकालो, एटम निकालो, एटम का मास जो है वो किससे कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, कार्बन के एक एटम से। तो कार्बन के एक एटम से आप रिलेट करके जो मास निकाल रहे हो किसी भी एटम का, वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने क्या बोला कि किसी भी एटम का मास निकाल रहे हो रिलेट करके कार्बन के एक एटम से, किसी भी एटम का मास कैलकुलेट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो किससे, कार्बन के एक एलिमेंट से, ये क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा ये एक फिजूल सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कैलकुलेशन, जो कि MCQ में आती होती है, या तो MCAT में या बोर्ड में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट MCQ है वो MCAT का, द यूनिट दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एज एन एटॉमिक मास यूनिट। इस पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है और इस पर मैंने स्टार भी बना दिया कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये रिलेटिव एटॉमिक मास के भी कैलकुलेशन मास स्पेक्ट्रोमीटरी समझाकर हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कैसे हम लोग। उससे पहले मास स्पेक्ट्रोमीटरी समझने से पहले हमें पता होना चाहिए आइसोटोप्स क्या है। अच्छा भाई आइसोटोप समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूं कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है भाई 6, इस तरीके से आपने देखा। अच्छा भाई आपका इसका मास नंबर क्या है 12। फिर आपने कार्बन एक और देखा, आपने कहा कि कार्बन का नंबर 6 है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है 13। अच्छा फिर आपने एक और देखा कार्बन, कार्बन 6 है लेकिन आपने उसका देखा 14। अच्छा भाई अब हम ज़रा इनमें देखें, इलेक्ट्रॉन लिखो इसमें कितने हैं भाई, और प्रोटॉन देखो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन कितने हैं 6, अच्छा सॉरी न्यूट्रॉन, सॉरी 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 इसमें वेट एक मिनट। अच्छा हाँ तो देखो हमारे पास इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 7, इसमें देखो प्रोटॉन कितने हैं 6, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। अच्छा भाई हमने देखा कि अब इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है कि सबका एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, 6 6 6, डिफरेंस इसमें आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो हमारे पास ऐसे स्पीशी आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम, जिनका न्यूट्रॉन नंबर या मास नंबर क्या हो अलग हो, जिनका न्यूट्रॉन नंबर या मास नंबर क्या हो अलग हो। आप क्या बोलोगे, ऐसी स्पीशीज़ जिनका क्या सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो भाई देख लिया। या और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे डेफिनेशन में, उनकी एटॉमिक मास अलग हो, या एटॉमिक मास के बजाय आप कह दो न्यूट्रॉन नंबर अलग हो, सिंपल इज दैट। तो हमारे पास क्या होगा, आइसोटोप्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन पोजेस अ डिफरेंट मास बट द सेम एटॉमिक नंबर। देखो सबका एटॉमिक नंबर 666 था, मास नंबर सबका अलग था, तो ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा भाई अब आइसोटोप्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसने डिस्कवर किया था, सोडी एक साइंटिस्ट थे भाई, ये लो मैंने इसको मार्क कर दिया यहाँ पर, सोडी वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस। अच्छा अब एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आइसोटोप्स की, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आइसोटोप्स की होती हैं वो सेम रहती हैं। यह आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, सेम रहती हैं क्यों, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम है, यानी क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो हमारे पास रिएक्शन कौन करता होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता होता है ना रिएक्शन में, हमें पता है। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होंगे तो जाहिर है केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है,
चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेरे पास, चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेरे पास, चेंज हो रही है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हमने इधर हाईलाइट भी किया हुआ है कि दे हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते होते हैं रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस। तो रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस मतलब ये कि आपके पास कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट है, ये हमारे पास पता चलता होता है एक टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड एज एन मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है हमारे पास, रिलेटिव अबंडेंस पता चल जाती है हमारे पास, और रिलेटिव अबंडेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है, और जब आपको रिलेटिव अबंडेंस पता चल जाती है तो आप अपने पास क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री के ज़रिए से आप उसकी उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मासेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट का हमारे पास किस तरह होता है, एग्जैक्ट मासेज ऑफ, अच्छा हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, आइसोटोप का मास कैलकुलेट करने की टेक्निक। व्हाट इज़ अ रिलेटिव एटॉमिक, सॉरी मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है हमारे पास, टेक्निक दैट इज यूज टू डिटरमिन द एग्जैक्ट मास ऑफ आइसोटोप, आइसोटोपिक मास, सिंपल। अच्छा अब स्पेक्ट्रोमीट्री बेसिकली हमारे पास अभी नहीं है, बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर सेकंड ईयर के अंदर बहुत डिटेल में है और इसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, बट स्टिल आई एम गोना एक्सप्लेन यू अ बिट कैसे होता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स देखते हैं और उसके बाद हम एक डायग्राम देखेंगे। आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है नीचे, बड़ी अच्छी सी डायग्राम दी हुई, इट्स नॉट क्लियर दैट मच, बट हम उन स्टेप्स को पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास होता है। स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है बेसिकली, तो स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है हमारे पास, टेक्निक दैट इज़ यूज टू फाइंड द मास ऑफ आइसोटोप, टेक्निक मास फाइंड करने की किसकी, आइसोटोप की। अच्छा भाई स्पेक्ट्रोमीट्री में सीन ही होता है, सबसे पहले एक आप सैंपल लेते हो, ठीक है आप क्या लेते हो, सबसे पहले एक सैंपल लेते हो, इस तरीके से आपने क्या लिया, एक सैंपल ले दिया, आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा आपने क्या लिया, फॉर एग्जांपल इन्होंने हमारे पास इसमें नियॉन सैंपल लिया हुआ, अच्छा आप क्या लेते हो, सबसे पहले सैंपल ले लेते हो। अब आपने जो सैंपल लिया है, अच्छा सैंपल लिया, सेकंड चीज सैंपल को आपने गैस में कन्वर्ट करना है, गैस स्टेट में आपके पास सैंपल किस में होना चाहिए, गैस स्टेट में, अच्छा गैस स्टेट में आपने कन्वर्ट कर दिया। फिर आप क्या करते हो, सैंपल डालने के बाद आप उसकी आयोनाइजेशन कराते हो, आयोनाइजेशन। अच्छा भाई आयोनाइजेशन क्या है देख लेते हैं, भाई आयोनाइजेशन क्या होता है, ये आपके पास कोई गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है आप इस पर पेनिट्रेशन कराओगे किसकी, किसी भी हाई एनर्जी रेडिएशंस की, हाई एनर्जी रेडिएशंस की, और क्या होगा ये गैस अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, तो इस गैस पर क्या चार्ज रह जाएगा पीछे, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन। The loss of electron is called as an ionization by penetration of some type of radiations. तो यही बात है, दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, आयोनाइजेशन। पहला स्टेप आपने क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल को गैसियस स्टेट में किया, तीसरा आपने आयोनाइजेशन की, चौथा स्टेट आपने क्या किया, आपने उनको एक्सेलरेट किया, क्या किया, एक्सेलरेट किया। पांचवा स्टेप आपने क्या किया, उनको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा, किस में से निकाला, मैग्नेटिक फील्ड में। और एक और बात, जब भी आप चार्ज स्पीशी को, ये भी मैं आप याद कर लो ये पांच स्टेप्स, सेकेंड ईयर में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, जब भी आप चार्ज स्पीशी को इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हो तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, अब आप क्या करो, पहले आपके पास चार्ज स्पीशी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, लेकिन वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो सर्कुलर पाथ अटेन कर लेता है इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे आता जाएगा। तो क्या होगा, आपने एक्सेलरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो उसने क्या अटेन किया, सर्कुलर पाथ अटेन किया। सर्कुलर पाथ अटेन करने के बाद इधर हमारे पास मौजूद होता है डिटेक्टर, क्या होता है, डिटेक्टर। तो सर्कुलर पाथ अटेन करने के बाद वो क्या हुआ, सातवां स्टेप क्या हुआ, वेंट टू डिटेक्टर, और बस डिटेक्टर में जैसे ही वो हमारे पास गया तो वहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर मौजूद होता है, कंप्यूटर क्या करता है, उसकी
अबंडेंस देखता है कि कितना अबंडेंट में है, और दूसरा उसका वो मास कैलकुलेट कर लेता है। तो डिटेक्टर और आठवां स्टेप्स क्या है, अबंडेंस, और नवा स्टेप आप क्या कहते हो उसका मास। तो सिंपल दिस इज द स्टेप्स ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, टेक्निक दैट इज यूज टू फाइंड, क्या फाइंड करते हो आप इससे के जरिए से, मास ऑफ एन आइसोटोप। वर आर द स्टेप्स, तो यही बेसिक स्टेप्स हमारे पास इसमें दिए हुए, मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ। इन दिस टेक्निक सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटाइज, यानी उसको गैशियस स्टेट में होना चाहिए, देन एन आयोनाइज विद अ हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बोला कि उसके इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए, देन द गैशियस पॉजिटिव आयन इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। अब इस बात को मैं समझाता हूँ, दो मिनट दो, एंड देन वी हैव अ पीक्स ऑफ एक्स। अब हमारे पास अब इस प्रोसेस को थोड़ा एलेबोरेट कर रहे हैं, तो वो क्या करते होते हैं, हमारे पास द गैस सब्सटेंस फॉर द एनालिसिस इज रिक्वायर्ड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, यानी वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। द प्रेशर ऑफ दिस वेपर इज वेरी केप्ट लो, ठीक है, और फिर हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर में डाला जाता है, जहाँ पे वही बात हुई, आपने गैसियस स्टेट में डाला, इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराई, पॉजिटिव गैसियस आयन क्रिएट हो गए। अब हमारे पास क्या होता है कि जो पॉजिटिव गैसेस आयन है ये हमारे पास किससे पास होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड से पास होते हैं तो अब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर पाथवे अटेन करते हैं, ये बात बोली थी या नहीं बोली थी, बोली थी भाई, जब वो सर्कुलर पाथवे अटेन करते हैं तो आप खुद देखो, सर्कुलर पाथवे अगर कोई चीज़ अटेन कर रही है इस तरीके से, सर्कुलर पाथवे अगर जो जो चीज़ भारी होगी तो जाहिर है वो क्या होगा, इतना सर्कुलर पाथवे अटेन नहीं करेगा वो, यानी वो दूर दूर रहेगा, तो डिटेक्टर में दूर जाके अटेन होगा। अगर कोई चीज़ लाइट होगी तो वो ज़्यादा सर्कुलर पाथवे अटेन करेगी इस तरीके से, और अगर जो उससे भी ज़्यादा लाइट होगी वो और सर्कुलर पाथवे में घूमेगा हमारे पास। इसी तरीके से होता है ना, अगर आप कोई हल्का बंदा लो उसको घुमाओ तो आप ज़्यादा आसानी से उसे दूर तक घुमा सकते हो, अगर मोटा बंदा होगा तो आप हल्का घुमाओगे। तो यही एग्जाम्पल है चार्ज टू मास रेशो के बेसिस पे, आप क्या कर रहे हो, अलग किस बेसिस पे अलग कर रहे हो, चार्ज टू मास रेशो पे। तो आपने दोबारा देखो स्टेप्स बहुत आसान है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, गैसियस स्टेट ली, आपने आयनाइजेशन चैम्बर में डाला, फिर आपके पास आयंस क्रिएट हो गए, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा, मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास क्या हुआ, चार्ज टू मास रेशियो के बेसिस पे सेपरेशन हुई, फिर हमारे पास कहाँ चले गए, डिटेक्टर में चले गए, और डिटेक्टर ने लास्ट में हमारे पास क्या बता दिया उसका मास। तो सिंपल ये देखो, द आयंस ऑफ एन आयन डिफरेंट मास इज, अब हमारे पास क्या कलेक्टर एंड, अब हमारे पास डिटेक्टर में गए, अब वो यही कहना है कि डिटेक्टर में जाने के बाद हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप पता चल जाती है, सिंपल। अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं, नियॉन था आपने उसे, ये तो गैसियस स्टेट में ही डाला था तो इसको हमारे पास ज़रूरत नहीं थी कन्वर्ट करने की वेपर स्टेट में, तो हमने इलेक्ट्रॉन बीम डाला, ये आयनाइजेशन हुई, आयनाइजेशन से हमने ऐसे पोटेंशियल दिया, एक्सेलरेट किया, यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ये मेरे पास डिटेक्टर है, इस तरीके से आया। अब हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो के बेसिस पे डिफ्लेक्शन की और डिटेक्टर ने हमारे पास बता दिया, सिंपल। अब हमारे पास एवरेज अटोमिक मास, जो कि है रिलेटिव अटोमिक मास कैलकुलेट करने का तरीका। अच्छा, बुक में आपको इन्होंने नियॉन के हिसाब से लिया हुआ है, मैं आपको क्लोरीन के हिसाब से समझा देता हूँ, बहुत आसान है कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है रिलेटिव अटोमिक मास। तरीका ये होता है, आपके पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन की एग्जांपल लो, क्लोरीन 35 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक, आपको पता है, और एक क्लोरीन 37। अच्छा भाई, अब आपको पता है कि क्लोरीन 35 प्रेजेंट होता है 75%, और जो क्लोरीन 37 होता है वो कितना होता है, 25%। अच्छा भाई, अब आप क्या करते हो, सिंपल उस क्लोरीन के आइसोटोप को मल्टीप्लाई कराते हो उसकी अबंडेंस से। मैंने क्या बोला, क्लोरीन 35 को आप मल्टीप्लाई करा दो उसकी अबंडेंस से, ठीक है। अच्छा भाई, फिर इस तरीके से 37 मल्टीप्लाई बाई 25 और डिवाइड करा दो 100 से, क्यों, आपने परसेंटेज का साइन हटाना है। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 35.5। तो सिंपल ये तरीका होता है हमारे पास कैलकुलेट करने का। तो अब इन्होंने नियॉन की बेसिस में दिया हुआ है, तो इन्होंने भी यही किया हुआ है। अब इन्होंने बताया है कि नियॉन 20 है फॉर एग्जांपल, अगर हम फोकस करें तो नियॉन 20 हमें बता रहे हैं, जो नियॉन 20 है वो ये कह रहे हैं कि 90.02 है। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करा दो उसके एटॉमिक अबंडेंस से, 21 कितना परसेंट है, 0.26, मल्टीप्लाई करा दो उससे और ऐड करा दो और डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास नियॉन का मास निकालेगा 20.18। सिंपल इज दैट, मेरे पास ग्रेटर नहीं है बट आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई करके देखोगे तो आराम से समझ आएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज द एम्पेरिकल फार्मूला, एंड इट्स वेरी इजी, बिलीव मी। ओके, अच्छा, इसमें आप लोग की एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा,
एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास, अच्छा इस चीज़ पे हम आते होते हैं परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, बहुत आसान होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट आप निकालो किस तरीके से आप निकालोगे। तो इस तरीके से होता है हमारे पास, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, इन्होंने हमारे पास दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कि आपने कोई भी कंपाउंड है उसमें से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल लें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अब वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना मेरे पास मौजूद है हाँ मेरे पास कितने कार्बन की परसेंटेज है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने कहा हुआ है ये कंपाउंड है जो डिकम्पोज हुआ जिसने हमें कितना परसेंट कार्बन दिया, इतना कार्बन दिया, इतना मेरे पास ऑक्सीजन दिया और इतना हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो वो कह रहा है अब हमें बताओ कि कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है। सिंपल आप क्या करते हो, जो भी कंपाउंड का निकालना, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ कार्बन, आप क्या करोगे जो भी मास ऑफ कंपाउंड है, मास ऑफ कंपाउंड कार्बन का मास मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। तो ये देखो क्या था, मैंने क्या कहा था, जो भी है मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, और जो भी इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की कैटेगरी है वो आप डाल दो। हमारे पास जो भी कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है आप उसको देख लो, हमारे पास 0.92, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, कितना हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है, और सिंपल आप मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास चल जाएगा कि आपके पास 60.28% हमारे पास क्या है, कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है और इतना ऑक्सीजन है, सिंपल। तो दोबारा देख लो अगर नहीं समझ आ रहा कैसे आप निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ठीक है, इसका मास है, इसका मास है 44 आपको पता है, और वो कह रहे हैं इसमें जो कार्बन है वो है 22, ठीक है। तो अब बताओ कि आप कितने परसेंट कार्बन है, तो मुझे बताओ कैसे होगा, आप लिखोगे 22 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल, ठीक है। 22 वन ज़ार 22 टू ज़ार, सिंपल। और आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, और 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 50%, सिंपल इज़ दैट। अच्छा भाई अब हम बात करते होते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है और बहुत मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में। अच्छा भाई एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेट होता है। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या, सबको पता भाई, सिंपल पढ़ लो, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या। एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं कि सिम एक कंपाउंड है उसके अंदर सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को जो इंडिकेट करता है जो फार्मूला, वो क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ अ सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो ये देखो हमारे पास दैट इज अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट फार्मूला दैट इज अ स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज एन एम्पेरिकल फार्मूला। दोबारा देख लो, दैट इज अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड, ये इसकी डेफिनेशन, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय द एम्पेरिकल फार्मूला। बहुत अच्छा है, एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल दो और अब हम कैलकुलेट करते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब वो कह रहा है कि वाइटामिन सी दैट इज इन अस्कॉर्बिक एसिड कंटेन कर रहा है कि कार्बन इतने परसेंट है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है और ऑक्सीजन इतने परसेंट है, वो कह रहा है अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप वन हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज को जो भी परसेंटेज है उसको डिवाइड करा दो आप उसके मास से, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो भी एलिमेंट है उसको डिवाइड करा दो किससे, मास से, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे ग्राम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। फिर आपने दूसरा स्टेप करना है सिंपलेस्ट मोल रेशियो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो यानी इस तरीके से आपके पास, आपके पास एक एलिमेंट का आपने इस तरह किया, फिर आपने दूसरे एलिमेंट का इस तरह किया,
फिर आपने तीसरा एलिमेंट का किया, जितने भी एलिमेंट्स उनके मोल्स आए, इसके भी मोल्स आए। अब आप देखोगे कि इनमें से सबसे छोटे मोल किसके हैं, इसके मोल छोटे हैं, इसके मोल छोटे हैं, इसके मोल छोटे हैं। अब जिसके भी मोल छोटे होंगे आप सबको उससे डिवाइड करा दोगे। फॉर एग्जाम्पल इसके मोल थे 1, इसके मोल थे 2, इसके मोल थे 3। अब आपने क्या किया, सेकंड स्टेप का सिंपलेस्ट मोल रेशियो। तो अब आपने देखा कि सबसे छोटे, सबसे कम मोल्स किसके थे, इसके। तो आपने डिवाइड करा दिया तीनों मोल्स को उससे, 1 / 1 / 1, और आपके पास आ गया सिंपल फार्मूला। ये होता है तरीका। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते होते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एग्जाम्पल की मदद से। अच्छा, दे आर सेइंग दैट इन विटामिन सी में हमारे पास कह रहे हैं वो 40.92 कार्बन है, 4.58% हाइड्रोजन है, 54.5 ऑक्सीजन है। तो व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, परसेंटेज जो भी है हमारे पास, जो भी परसेंटेज है आप उसको क्या कर दो, डिवाइड करा दो किसके अंदर, उसके मास से। मैंने यही बात बोली थी या नहीं बोली थी? तो सिंपल हम एक जगह लिखते हैं और इसके साथ साथ हम सॉल्व करते हैं। तो भाई तो यस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मोल्स ऑफ, तो अच्छा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब यही है कि हमारे पास मोल है, ठीक है। आपको पता है ना कि जब भी मोल्स की डेफिनेशन क्या होती है, आपको पता है ना, जब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कर दो ग्राम के अंदर, तो ये क्या बन जाता है, मोल्स। मोल्स की जो बेसिक डेफिनेशन है कि एटम्स को मॉलिक्यूल्स को किस में एक्सप्रेस करो, ग्राम्स में, तो ये क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। तो सिंपल यू हैव टू फाइंड द मोल्स। तो कैसे आप मोल्स फाइंड करोगे, आप एटॉमिक मासेस से इनको डिवाइड करा दोगे। तो अब आपको पता है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन था, हम स्टार्ट करते हैं इधर से, ठीक है। तो कितने परसेंट मेरे पास ये कहते हैं कार्बन था 40.92, तो मैं क्या करूँगा 40. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन के लिए 40.92, और मुझे पता है कि कार्बन का एक मास कितना होता है, 12, सही है। फिर हाइड्रोजन का इसी तरह का निकालते हैं, फिर हाइड्रोजन का कितना आया था हमारे पास, हाइड्रोजन का मेरे पास है 4.58, 4.58, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। फिर ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन का होता है मेरे पास 54.5, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। अच्छा भाई, अब इनको आप कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा भाई। आपके पास फॉर एग्जांपल अच्छा, अब आंसर कैलकुलेट करो, 40.92 को अगर आप डिवाइड कराते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है 4.54। अगर आप नहीं, एक सेकेंड में निकाला निकाला है, वी कैन, अगर अच्छा अब आप कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर आएगा 3. अगर चलो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, हमने ये काम किया कि हमने क्या किया था, परसेंटेजेस को डिवाइड किया उसके मास से, परसेंटेज को डिवाइड किया मास से, परसेंटेज को डिवाइड किया मास से, पहला स्टेप हो गया। अब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, ये बताया था ना सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोल रेशो क्या था कि आपके पास सबके मोल्स निकाले, फिर आप देखोगे कि सबसे नंबर ऑफ मोल्स किसके कम है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था ए के कम थे, तो मैं इसको सबको डिवाइड करा दूंगा उस आंसर से। तो यही इधर भी किया है, सबसे छोटा आंसर किसका था, 3.401 है या 3.41। तो मैंने कहा ये सबसे छोटा आंसर ये, तो मैं सारे आंसर्स को इससे डिवाइड करा दूंगा। तो मैंने डिवाइड कराया इस तरीके से, इसको भी इससे, इसको भी डिवाइड कराया, तो मैं क्या कर दूंगा डिवाइडेड बाय, इधर इधर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, 3.406। अच्छा जब मैं आंसर को 3.406 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, जाहिर है इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और अगर इसका आंसर आप करोगे तो हमारे पास आ रहा है 1.33। मेरे पास अब कैलकुलेटर नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर दो आराम से आ जाएगा। अब जब आपने कैलकुलेट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, सिंपल ये आंसर आया इस तरीके से, कि यानी आपको पता चला कि ये रेशो आ रहा है आपके पास क्या, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, हमने भी यूँ लिखा था ना,
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसी तरीके से लिखा था या नहीं लिखा था हमारे पास? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमने रेशियो इस तरीके से निकाल दिया था। अब क्या हुआ, जाहिर है हमने कभी कोई कंपाउंड ऐसा देखा है इस तरीके से सी 3.2 एच 2.1 ऑक्सीजन 2, नहीं ऐसा तो नहीं देखते हम लोग कंपाउंड। तो अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। आपने एक होल नंबर्स करने के लिए, कन्वर्जन के लिए, आप क्या करोगे कि ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराओ कि आंसर आपके पास पूरे नंबर्स में। तो अगर आप इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपके पास पूरा आंसर देगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और जब 1.33 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाई 3, तो मैं करके दिखाता हूँ 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 पॉइंट 3 1 ज़ा 3, तो 3.99 को जब आंसर आएगा तो आप इसे राउंड ऑफ कर दोगे 4। तो इस तरीके से आपने इसको किया तो आपके पास क्या रेशो आया, 3 4 3 3 4 3 रेशो। तो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या निकला, C3H4O3, सिंपल C3H4O3। दिस इज़ द वे यू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा अब हम आगे, एक और तरीका है कंबशन एनालिसिस के लिए करने के लिए, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दोबारा रिपीट करके दिखा देता हूँ सिंपल एक और एग्जांपल के ज़रिए से। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू बाय द एग्जांपल ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड के ज़रिए से, एक एग्जांपल है। दो मिनट के रेस्ट लेते हैं, लेट मी फाइंड। ओके, कहते ही हैं कि एक ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम है, फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला। तो इस तरीके से कुछ था, दे आर लाइक, हाँ तो क्वेश्चन ये है कि 60% टाइटेनियम है एंड 40% हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा भाई सिंपल कैसे फाइंड करोगे, पता होना चाहिए तरीका। 60 को डिवाइड करा दो मॉलिकुलर मास से। अच्छा भाई टाइटेनियम का मॉलिकुलर मास क्या है, किसी को पता है टाइटेनियम का मॉलिकुलर मास? आई गेस होता है ये टाइटेनियम 40 कुछ करके होता है टाइटेनियम का, टाइटेनियम का मॉलिकुलर मास होता है 47। ठीक है, अच्छा टाइटेनियम का होता है 47.86। तो अच्छा भाई, अच्छा ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 40% है, और ऑक्सीजन को डिवाइड करा दो आप किससे, उसके 16 से। तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड मैं कैलकुलेटर खोलूँ। अच्छा 60 डिवाइडेड बाय 47.86, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.25। अच्छा और 40 डिवाइडेड बाय 16, इसका आंसर आ रहा है 2.5। अच्छा अब ये पहला स्टेप हो गया, अब सेकेंड स्टेप क्या है, डिवाइड बाय द लीस्ट नंबर, किसके आंसर छोटा ये वाला, तो 1.25 और 1.25, तो इसका आंसर क्या आता है 1। अच्छा 2.5 को डिवाइडेड बाय 1.25, तो आंसर क्या आ गया 2। तो मेरा इसका मतलब क्या है कि टाइटेनियम और ऑक्सीजन का रेशो किस में है, 1:2। तो इसका फार्मूला क्या आ गया, टाइटेनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हुआ, टाइटेनियम O2। तो सिंपल ये मेरे पास क्या हो गया, इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। तो ये तरीका भी है, ये MCAT एक क्वेश्चन था, एक ज़माने में UHS के पेपर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो दिस इज़ हाउ वी डू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कंबशन एनालिसिस के तरीके से सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत आसान होता है। होप सो, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।